महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सभी छोटे बड़े नगर के सभी शिवालयों में भक्तों का अपार जनसमूह भगवान की भक्ति और आनंद को दोगुना कर देता है। इसी श्रृंखला में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर में भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम डमरू घाटी, जो कि लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। डमरू के आकार में बने हुए शिव मंदिर में जहां एक ओर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, वहीं दूसरी ओर नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में स्थापित है। जनता सहयोग से बने इस विशाल मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। लगभग 25 साल पहले मंदिर की स्थापना हुई, फिर मंदिर की देखरेख स्थानीय लोगों की समिति के द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर डमरू घाटी के लगने वाले विशाल मेले का उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा के मार्गदर्शन में हुआ। आयोजन में कई विशिष्ट अतिथियों का आना हुआ। मेले में सभी वर्ग के लोगों ने दुकानें लगाई, जिनमें मनोरंजन से लेकर लोगों को घरों में उपयोग होने वाले सामान खरीदने के दुकानों के स्टॉल लगाए गए। नगरपालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि शीघ्र ही डमरू घाटी को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे और डमरू घाटी को और विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, नगरपालिका की व्यवस्था बाद में, पहले इस जो समिति है डमरू घाटी समिति, इसमें गाडरवारा नगर के बहुत जवाबदार प्रबुद्ध नागरिक जो लगातार वर्षों से इस मेले का आयोजन कर रहा है और अपनी सहभागिता दे रहे हैं, और नगरपालिका परिषद ने पहली बार सेवाएं नहीं दी, इसके पहले भी जो नगरपालिका के अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में भी डमरू घाटी मेला समिति के मार्गदर्शन में नगरपालिका ने सेवाएं दी। उसी के तहत सौभाग्य की बात है कि मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में आज जो सेवाएं दे रहा हूं, तो उसमें मैं पूरे मनोयोग से भगवान भोलेनाथ की भव्य जो शिवरात्रि है वो मनाई जाए, उसके तहत क्या सुविधाएं हो सकती हैं वो सब काम मैं नगरपालिका के माध्यम से करा रहा हूं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो मेला की व्यवस्था हो। चूँकि ये नगरपालिका और डमरू घाटी समिति का अकेला मामला नहीं है, ये आसपास के सैकड़ों गांव की आस्था का विषय है, और उसके लिए हम और पूरा गाडरवारा नगर और ये समिति जो है वो सामूहिक प्रयास कर रही है। इसमें अभी बहुत से विकास के कार्य हमारे होना है। ये जितना भी आप यहाँ पर विकास देख रहे हैं अभी, ये जन सहयोग के माध्यम से हम लोग कर सके हैं, लेकिन जन सहयोग के माध्यम से जो और विकास हम बहुत बड़े रूप में और इसे करना चाहते हैं, उसको हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, इतनी धनराशि हमारे पास एकत्रित नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूं कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में अगर ये घोषित हो जाए तो हमें पर्याप्त धनराशि सरकार के द्वारा प्राप्त हो जाएगी, और ये एक तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ स्थापित अब हो चुका है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आने लगे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पर्यटक अगर स्थल के रूप में घोषित हो जाए तो काफ़ी कुछ हम लोगों को ये सहयोग यहाँ मिल जाएगा, और ये डमरू घाटी का स्वरूप ही बहुत अनूठा और अनुपम हो जाएगा पूरे विश्व में। डमरू घाटी में विकास के काम निरंतर जारी हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक संजय शर्मा जी से और नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय शिवाकांत जी मिश्रा जी से, इन दोनों का सहयोग हमेशा हमेशा मिलता रहा है। मैं अपेक्षा करता हूँ आदरणीय संजय भाई से, आपका क्षेत्र आता है, जो विकास के काम जो हम लोगों ने आपको बताए थे, आपसे मेरा अनुरोध है, इसके लिए जो भी धनराशि विधायक निधि की आप देना चाहते हैं डमरू घाटी के लिए आप दें, क्योंकि यहाँ पर लाखों के लोग संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं, एक पुण्य काम होगा। आपसे अनुरोध करता हूँ आगे शिवाकांत जी भाई से, आपसे भी अनुरोध है कि आपका लगाव इसमें बना हुआ है, जैसे ही आपका नाम शिवाकांत है, आप शिव के भक्त हैं, आपका रुचि इसमें है, आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि नगर पालिका से जो भी सहयोग आप देना चाहते डमरू घाटी में जरूर दें। लगभग 1.5 लाख लोगों ने धर्म लाभ प्राप्त किया, और निरंतर ये प्रतिवर्ष संख्या बढ़ती जा रही है। इसका दूर दूर तक इसमें इसकी ख्याति पहुंचती जा रही है, और निरंतर संख्यात्मक दृष्टि से, और ये संख्या केवल एक दिन नहीं, अब आगे आने वाले 4-5 दिनों में निरंतर काफ़ी बढ़ती जाएगी।
कार्य का लगभग संख्या का विभाजन भी हो गया है। कल भी काफ़ी बड़ी संख्या धर्म प्रेमी जनता की होने की संभावना है। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।